दुनिया भर में स्पोर्ट्स शूज को पसंद करने वाले लोगों के लिए नाइकी कोई नया नाम नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं जिन्हें स्पोर्ट्स शूज बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनके लिए भी नाइकी नया नाम नहीं है। नाइकी आज जितना बड़ा नाम है उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी भी है। नाइकी की शुरुआत एक स्टूडेंट के आइडिया से हुई थी जिसने स्पोर्ट्स शूज की परिभाषा ही बदल दी। नाइकी जैसे कंपनी स्थापित करने का सपना फिल नाइट ने देखा था और इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में। फिल नाइट ने इसी साल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली थी। फिल नाइट ने एमबीए के दौरान एक प्रोजेक्ट पर काम किया था जिसका आइडिया उनके दिमाग में घर कर गया, जिसका टाइटल था जो जापानी कैमरों ने जर्मन कैमरों के साथ किया क्या वो जापानी जूते भी कर सकते हैं। उन दिनों अमेरिकन मार्केट में जर्मन कंपनी एडिडास और प्यूमा का बोलबाला था और फिल नाइट इससे इधर एक दूसरा रास्ता बनाना चाहते थे। स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट होते ही फिल नाइट ने अपने आइडिया को सच में बदलने का फैसला किया और टूरिस्ट वीजा पर जापान के कोबे शहर पहुंचे। यहां उनकी नज़र ओनित्सुका टाइगर के स्टोर पर पड़ी। ओनित्सुका टाइगर उन दिनों जापान में काफी प्रचलित थे लेकिन वह अमेरिका के बाजार में नहीं मिलते थे। आमतौर पर ओनित्सुका टाइगर रनर के लिए जूते डिजाइन करता था जो काफी हल्के और कंफर्टेबल भी होते थे। फिल नाइट ने इन्हें अमेरिकी बाजार में बेचने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने ओनित्सुका कंपनी के मालिक किहाचिरो ओनित्सुका से मिलने का फैसला किया। अपनी आत्मकथा सूज डॉग में भी फिल नाइट ने इसका जिक्र किया है। फिल नाइट ने बताया कि उनके लिए इस मीटिंग में खुद को पेश करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उन्होंने हाल ही में पढ़ाई पूरी की थी और अब वह बिजनेस करना चाहते थे। उन्होंने किहाचिरो ओनित्सुका से मुलाकात में खुद को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का मालिक बताया जो अमेरिका में ओनित्सुका के जूते बेचना चाहती थी। अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसका आइडिया सिर्फ फिल नाइट के दिमाग में ही था। फिल ने अपनी पहली ही मुलाकात में ओनित्सुका को प्रभावित कर लिया और वह अपने जूते उन्हें देने के लिए तैयार हो गए। फिल अपनी आत्मकथा सूज डॉग में लिखते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जूतों को एडिडास के जूतों से सस्ता बेचना था क्योंकि उन दिनों अमेरिकी बाजार में एडिडास का एक तरफा कब्जा था। फिल नाइट अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, ये 1964 का पहला हफ्ता था, मुझे ठीक से याद नहीं है, बस इतना याद है कि सुबह सुबह का समय था। मैं समुद्री तट के गोदाम में नीचे चला गया था और तब तक क्लर्कों ने गोदाम का दरवाजा भी नहीं खोला था। मुझे पता चला कि मेरे ऑर्डर किए हुए जूते आ गए हैं। जैसे ही मुझे जूतों का डब्बा पकड़ाया गया मैं बहुत खुश था और भागता हुआ घर की तरफ आया। मैंने जूते खोले तो ये बहुत सुंदर थे, मैंने पेरिस में भी इससे सुंदर कुछ नहीं देखा था। मैंने इसके दो जोड़ी जूते बिल बावरमैन को भी भेजे। बिल बावरमैन फिल नाइट के कोच थे और फिल नाइट ने इसका आइडिया पहले ही बिल बावरमैन के साथ शेयर कर लिया था। बिल बावरमैन ने फिल के इस आइडिया को काफी पसंद भी किया था। इसके बाद दोनों ने ब्लू रिबन के बिजनेस को आगे बढ़ाया। फिल और बिल ने बाद में 300 जूतों का ऑर्डर ओनित्सुका को दिया। ये शिपमेंट अप्रैल 1964 में आई थी। कुछ ही महीनों में ये जूते भी बिक गए। जुलाई में ओनित्सुका को 1300 जूतों की जोड़ी का ऑर्डर दिया। धीरे धीरे जूतों की मांग बढ़ता देख ब्लू रिबन में सेल्समैन समेत कई अन्य स्टाफ की भी एंट्री हुई और कंपनी ने अपना पहला स्टोर कैलिफोर्निया में स्थापित किया। 1968 में ओनित्सुका ने अपना जूता कॉटेज कुछ बदलावों के साथ लॉन्च किया था। इसे ज्यादा कंफर्टेबल बनाया गया था और कई कमियों को भी दूर किया गया था। सबसे खास बात यह है कि इन जूतों में बदलाव बिल बावरमैन के द्वारा कंपनी के लिखे गए एक पत्र के आधार पर ही किया गया था। बाद में जूतों की सेल बढ़ने के बाद ओनित्सुका ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहा था। जब इस बारे में कंपनी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पहले जापानी लोगों की मांग को पूरा करना है न कि अमेरिकन की। बिल बावरमैन को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्थापित करने का फैसला किया। जापान से जब भी जूते आते थे तो बिल बावरमैन उनमें से कुछ जूतों को भी खोलकर देखते थे जिससे पता चल सके कि ये किससे और कैसे बनाए जाते हैं। बिल इसके बाद ओनित्सुका से अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का इंतजार करने लगे। 1972 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही बिल बावरमैन ने नई कंपनी के आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। कंपनी का नाम भी 1971 में नाइकी के नाम से तय कर लिया गया था। 1972 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मुनीक ओलंपिक से पहले बिल ने अपनी कंपनी शुरू कर ली थी। इसका लोगो जो आज ब्रांड के नाम के साथ बड़ा हो गया है उसे बनाने की जिम्मेदारी पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के डिजाइनिंग के छात्रों को दी गई थी। इसमें कैरोलिन डेविडसन ने इसका लोगो बनाकर तैयार किया जिसके लिए उन्हें $35 दिए गए थे। जूतों की क्वालिटी बनाए रखने के लिए इन्हें जापान में भी बनाने का फैसला किया।
लॉन्चिंग के कुछ ही सालों में कंपनी की सेल तेजी से बढ़ती गई। 1989 में नाइकी अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स शूज कंपनी बन गई। फिल के आइडिया और बिल की मेहनत से नाइकी आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स शूज कंपनी में गिनी जाती है। भारत में भी इसके जूते काफ़ी प्रचलित है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।